आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां। एक लंबी सांस हो, एक भाई इसका दूध भी तैयार करना। हाँ जल्दी कर ले बर्तन। महेश नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। मेरी कॉफी दीजिए प्लीज। चिकू बेट्टू टमाटो खाता है। पानी रखो, दूध की बोतल गर्म करो। बेट्टू है। ओके व्हाट वी हैव हियर। अरे यार मुझे देर हो रही है, सिर्फ टोस्ट देना था मुझे यार, हद है। ऑलराइट महेश, अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं, 15 मिनट और हैं, आराम से खा के जा सकते हो। यू मस्ट फिनिश दिस। ओके। ओह यस। आई एम लकी, सिर्फ 8:30 बजे हैं। भाई पानी रखो। चलिए देखा जाए टीवी पे क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं टमाटर खाना है। कोई अच्छा बच्चा सुबह सुबह टमाटर खाता है? छोड़ो इसको। भाई भाई देख जरा इसको, नाश्ता दो ठीक से। बस चल बेटा, चलिए दूध लाइए, इनका दूध लाइए, यहाँ बैठिए। ऑल राइट, वो खाने का नहीं है भाई, एप्पल तो इसको भूख लगी है। समथिंग क्या खाता है बच्चा। Leave this. So I started designing my own clothes. Oh, I started chalo. Wearing things that I designed. Nashta kya? Dekhi kaise khayenge. Don't. You've come a long way from there. You, oh, I've heard not that like your that. Brand is exported to 42 countries. Haath niche rakhiye. So how does it feel to be a multimillionaire? Theek se khaiye. It really feels very good. It makes me feel damn good. I mean, I've really worked hard for it. Mahesh. Just watch him. What I think is money is not everything. Nein. And if you don't mind this personal question, I would like to ask you why aren't kya you style hai yaar? Up till this point? Maan gaye. Kalo na theek se. Lovely looking woman. Not married is one because I always kya want confidence to be independent. Hai. Achha hai, achha hai. Good families. Aisa hi hona chahiye. It doesn't. Well, audiences, kya this baat is hai yaar? For you, the modern achha? Indian women. And ऐसी क्या खास बात है भाई? आइए देखिए। Well, अब वो तो मुझे नहीं पता। It depends on if I get a man like, Shekhar Kapoor. Single career woman. I don't take anybody's name for that. Totally determined in life. If I get through, I mean, if I like somebody, very ambitious. I don't say I'm not. Strong-willed, independent. All right, thank you, Rituji. This is what I like. Precious time. अच्छा है। Did you say something, darling? Hello. I said घर की मुर्गी दाल बराबर। ये सब qualities ना दूसरी औरतों में बड़ी अच्छी लगती हैं। Self sufficient, independent. लेकिन यही सब चीजें अपनी बीवी में हो तो disqualifications हो जाती हैं, minus points. Bloody double standards. आप जरा चुप रहेंगी। ये जो आपकी मिस चार्मिंग है ना, इनको अगर 36 घंटे की चक्की में पिसना पड़े ना, तब देखें इनका पॉइज़ और कॉन्फिडेंस कहां जाता है। शट अप विल यू। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? घर में तुम्हें मालूम है
मुझे मालूम होना चाहिए। आप सवेरे से बकबक करती जाएंगी, सवेरे से। वो शाम को जल्दी आ जाओगे ना? क्यों, क्या आज? अरे भूल गए, क्या तुम्हारा दोस्त ही आने वाला है शाम को, कुकू, डिनर के लिए। ओ माय गॉड, आज फ्राइडे। हाँ। और वो कलकत्ता से आज आ रहा है। महेश, अच्छा सुनो, आज शाम का खाना एकदम फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। या ओके, डन। हाँ लेकिन जल्दी टाइम पर आ जाना, ऐसा ना हो कि मुझे ऑकवर्ड लगे। नो, एकदम टाइम पे आऊंगा मैं, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो ऑफिस फोन करना। ओके, सी यू। और I want you to look your best tonight. Okay? Bye. Okay. मरियम, इसको पकड़ो। अरे मरियम, साहब आ गए हैं, जल्दी से चाय बना देना। और देखो गीजर ऑन करना प्लीज। अरे कहाँ चले गए हैं ये? आप यहाँ बैठे हैं? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, जरा सर में दर्द है। अरे मरियम, चाय के साथ वो सर की दर्द की गोली भी लेके आना और जल्दी करना। नहीं, मुझे चाय की जरूरत नहीं है, मैं जरा आराम करना चाहूंगा। मेरे लिए कोई फोन वोन आया था? नहीं, फोन वोन तो नहीं आया, लेकिन एक बहुत ही अजीब सा तार आया, किसी के मरने की खबर थी। लिखा मिसेस जोशी एक्सपायर, कम इमीजिएटली, और आपको बुलवाया है उन्होंने। अब ये तार कौन भेज सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। अभी आती हूँ, दो मिनट। नहीं कमला, ये मजाक नहीं है, ये सच है। क्या? हाँ कमला, ये सच है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मालूम हो जाए। मैंने कभी तुम्हें दुख देना नहीं चाहा। कौन सा थी औरत? किसने भेजा ये तार आपको और क्यों? क्या रिश्ता था आपका उस औरत से? बोलते क्यों नहीं? कौन थी वो औरत? बहुत चाहा कि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं मत नहीं कर पाया। तुम्हें चोट नहीं? आप क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? शकुंतला मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और तब मैं तुमसे, यानी हमारी शादी से बहुत पहले से। कहने का मतलब यह है कि आपका इस औरत से रिश्ता, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यकीन मानो कमला, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे घर वाले उसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी, वो अकेली थी कमला, बिल्कुल अकेली थी, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? इतने सालों से आपने मुझे धोखे में रखा, इतने सालों तक वो औरत आपकी जिंदगी में थी और मुझे मालूम ही नहीं था। आपने इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा। अरे
ऐसा नहीं है कमला, ऐसा नहीं है। उसने हमारी खुशी कभी छीननी नहीं चाही, कुछ नहीं मांगा मुझसे कभी, लेकिन उसकी जिम्मेवारी थी मुझ पर। मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? छोड़ने की कोशिश बहुत बार की, लेकिन जमीर नहीं मानता था। वो इस दुनिया में अकेली थी, मुझे समझने की कोशिश करो कमला प्लीज। 40 साल तक आपने मुझे धोखे में रखा, आपने ये मेरे साथ क्यों किया? कैसे किया आपने मेरे साथ ये? क्यों किया? मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अपने आप पे काबू करो। कैसे काबू करूं? ये मेरा खूबसूरत घर, ये मेरा परमेश्वर जैसा पति, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये सारा मेरा इतना खूबसूरत ख्वाब एक लम्हे में चला गया। एक लम्हे में भरोसा, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया। अरे 40 साल तक तुमने मुझे धोखा दिया। शुभ्रम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मरियम, आप चले जाइए यहाँ से। मैं आपकी सूरत नहीं देखना चाहती, मैं आपकी सूरत नहीं देखना चाहती, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, ना मैं कुछ देखना चाहती हूँ, ना मैं कैसे होश में आऊँ? कैसे होश में आऊँ? क्या मेरा सब कुछ लूट गया? अरे कुछ तो मेरे पे तरस खा, मेरा सब कुछ लूट गया। मरियम, मरियम साहब, मेरे बोले 40 बरस तक मैं धोखा खाती रही। अरे मैंने इसकी पूजा की है, मेरे इसको खुदा समझा। ए मेरा भगवान, ए मेरा भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मरियम, मरियम, मेरा सब कुछ लूट गया। मरियम, मेरा सब कुछ लूट गया। हाउ विल यू अंडरस्टैंड? हाउ विल यू अंडरस्टैंड? 40 years of my life, 40 good years of my life, my youth, my everything is gone to pieces. कुछ भी नहीं रहा मरियम, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे कुछ करो, मुझे जहर दे दो, मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी, मैं अब इस घर में कैसे? अरे 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 राम, अरे राम रे, है राम, है राम, दया कर, दया कर, मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं। विकी, ये लाइन नहीं है, तुम गलत गा रहे हो। वो दूसरी लाइन है, वो क्या है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। हाँ, अरे बुद्धू, वो दूसरों के लिए होगी, लेकिन मतलब की लाइन तो यही ना, हर बात सुहाग रात पे ही तो आके खत्म होती है। अच्छा गाओ, गाओ, गाओ। अच्छा नू, हाँ, क्या विशुल होगा? सुहाग रात है, फूलों की सेज पर बैठी तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं अचकन पहने हुए कमरे में आता हूँ, कड़ी लगा के तुम्हारे पास। लंगूर लगोगे अचकन पहन के? मैं अचकन पहन के लंगूर लगूंगा? यार यही तो तुम गड़बड़ कर देती हो। सॉरी यार, कितना रोमांटिक मौसम है, ये फिजाएं, ये 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 लहरें, ये पत्थर, मैं और तुम, और तुम, और तुम्हें तो मजाक सोचता रहता। तुम ना फिल्मी बातें मत किया करो। ये कोई फिल्मी विल्मी बात नहीं मैडम, फिल्मी बातें हैं, ये कोई फिल्मी बात नहीं है। हर सुहाग रात ऐसी होती है। हाँ, ऐसी होती है। अच्छा नो, क्या विशुल होगा ना? क्या हमारी सुहाग रात? हाँ। फूलों की सेज पर तुम बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं अचकन पहनकर कमरे में आऊंगा, दरवाजे को कड़ी लगा दूंगा,
तुम्हारे पास आके बैठ जाऊंगा और तुम मुझे देख के मुस्कुराओगी। पता कैसे मुस्कुराओगी? कैसे? जैसे मधुबाला मुस्कुराती वैसे। मधुबाला तुम मुझे देख कर मुस्कुराओगी, मैं अपने हाथों से तुम्हारे चेहरे को सहलाऊंगा और तुम्हारी आंखों में झांक कर कहूंगा प्रिय। अब इसमें हंसने की क्या बात है? तुम मेरी आंखों में झांक कर प्रिय बोलोगे तो हंसी आएगी। What's so funny in this? Idiot. अनु, 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 सुनो, अनु, 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 सुनो, सुनो, अनु, 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 सुनो ना, अनु, अनु, अरे, अरे, तू, तू, अनु, अनु, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। हेलो। हाय नाशी, मीता हियर। तू है? हाँ मैं हूँ। अरे इतना ढीला रिस्पांस हमें कभी नहीं मिला। हाँ क्या बात है, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैं सोची महेश का फोन आया। अरे नहीं कोई खास बात नहीं यार, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं खाना बना के बैठी हूँ, आई डोंट नो वेयर ही इज। अच्छा अच्छा सुन, हम लोग ना गोवा जा रहे हैं। गोवा? हाय दैट्स लकी यू। तू चलेगी हमारे साथ? बहुत अच्छा रहेगा। मैं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। महेश को भी बोलो। नहीं यार, महेश कभी हॉलिडे के लिए जाए ये कभी सुना तूने? नहीं तू जा, यू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, फिर देखो फिर कभी बनेगा तो। या नहीं नहीं, यू हैव अ ग्रेट टाइम। ओके चल, आई सी व्हेन यू गेट बैक। ओके बाय 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 मीता। हेलो महेश, आप अभी तक ऑफिस में बैठे हो सर? अरे बहुत काम है सर, पर यार हद किसी चीज की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बट मैं यहाँ डिनर तैयार करके आई एम वेटिंग फॉर यू एंड कुकू। अरे मैं फोन नहीं कर सका, इतना सारा काम था, मैं भूल गया तो क्या हुआ? अरे aren't you supposed to call me, मतलब एक फोन करना जरूरी होता है कि नहीं, टू टेल मी कि फोन खाना नहीं खाओगे? मैं तुम्हारे खाने की चिंता करूं या अपने काम की चिंता करूं? महेश you just take me for granted, you know, you're never going to change। तुम्हारे खाने के लिए मैं अपना काम बंद कर दूं? हाँ, काम इज हमेशा काम ही जरूरी होता है। Stupid woman। जी हाँ, मैं इंटरनेशनल कॉल बुक करना चाहती हूँ, कनाडा प्लीज। मेरा नंबर है 492-9295, वहाँ का नंबर है 6234-955 और पीपी है बॉबी जोशी। डोंट कॉल प्लीज। नहीं, मैं अपने बच्चों से बात नहीं करूँगी तो फिर किससे करूँगी? उन्हें मत बताओ कंबा। नहीं, इतना जुल्म तो मत कीजिए भगवान के वास्ते, उन्हें मत। थोड़ा सा आसमां